आज मैं क्वेश्चन नंबर फोर के एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर का एक्सप्लेनेशन देखें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। पिछले वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर फोर के रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड और एडजस्टमेंट का एक्सप्लेनेशन देखा था। आज इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। तो मैंने पहले फॉर्मेट ऑलरेडी बना दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन करंट ईयर बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 और लास्ट ईयर बैलेंस शीट। लास्ट ईयर बैलेंस शीट मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट। यहाँ पे मैंने दो ईयर एंड लिखा है, 1 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2018। ये दोनों ही करेक्ट हैं, इन दोनों में सिर्फ एक दिन का फ़र्क है। तो ये लिखोगे तो भी चलेगा, ये लिखेंगे तो भी चलेगा। अब हम ट्रांसफ़र करने जाते हैं। पहला हमारा जैसे हमें दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में, रिसिप्ट साइड में दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक 12,000। तो ये हमारा ओपनिंग एसेट, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में चला जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में चले जाते हैं। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन तीन पार्ट में डिवाइड है, 2017-18। तो ये हमारा ओपनिंग एसेट में, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। उसके बाद 2018 और 19 44,500, और इसमें टिक है मतलब इसमें एक एडजस्टमेंट है, तो इनकम साइड में चला जाएगा। तो ये हमारा इनकम साइड, इसमें एक टिक है मतलब एक एडजस्टमेंट है, इसके लिए यहाँ पे एक जगह छोड़ देंगे। इसके बाद है हमारा 2019 और 20, ये हमारा लाइब्रेरी साइड में चला जाएगा 3,500 रुपीज़। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें इसी साल मिल गया है, तो हम इसे लाइब्रेरी साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पे ठीक है। इसके बाद जो है हमारा इंट्रेंस फीस दिया है 8,000 रुपीज़। तो ये हमारा इनकम साइड में चला जाएगा, जैसे कि थर्ड एडजस्टमेंट में हमें दिया है इंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू इनकम। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा इनकम साइड में चला जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड 70,000 रुपीज़। ये हमारा लाइब्रेरी साइड में चला जाएगा। अब उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है इंटरेस्ट 600 रुपीज़, जो हमारा इनकम साइड में जाएगा। उसके बाद है हमारा सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 8,000। सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 8,000 रुपीज़, मतलब ये फर्नीचर है जिसकी बुक वैल्यू 8,000 रुपीज़ है और वो क्या हो गई, सेल हो गई है। तो वो सेल हो गई है और सेल होने पे लॉस हो गया 3,500 का। तो ये जो 3,500 है वो लॉस हो गया है, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। ठीक है। उसके बाद सैलरी, और ये हमारा रिसिप्ट साइड का सारा चीज़ ट्रांसफ़र हो चुका है। हम सैलरी की तरफ अपना पेमेंट साइड में जाते हैं। पेमेंट साइड में पहला है सैलरी 5,000 रुपीज़, सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर में आएगा। तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, इसके लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ा है। इसके बाद है हमारा बाय रेंट इंक्लूडिंग 2,000 फॉर 2017 और 18। तो रेंट में एक एडजस्टमेंट है और वो 2017 और 18 का है। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। उसमें से जो 2,000 है
लास्ट ईयर का या प्रीवियस ईयर का है, लेस लास्ट ईयर, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बचेगा 3000। इसको इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट है, तो इसके लिए इसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। और इसको सेकंड, इसका सेकंड इफेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लाइब्रेरी साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा ठीक है। अगर हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाते थे तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता था, क्योंकि हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसके लिए हम उसको वहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450, ये अपना एक्सपेंस में जाएगा। इसके आगे हमारे जो दिया है फिक्स डिपॉजिट 60,000 रुपीज़, ये हमारा एसेट में चला जाएगा, तो करंट ईयर के एसेट में हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 750, ये हमारा एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। उसके बाद है हमारा बाय जनरल एक्सपेंस 5,500, इंक्लूडिंग 500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर का पैसा 500 रुपीज़ इसी महीने में, इसी साल में पे कर दिया, तो जनरल एक्सपेंस लिखेंगे। इसमें 500 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर का है, लेस नेक्स्ट ईयर, ये अभी नेक्स्ट ईयर का 500 रुपीज़ है, तो ये लेस कर देंगे, तो हमारा बचेगा 5,000 रुपीज़ करंट ईयर का। और ये जो नेक्स्ट ईयर का है, मतलब ये नेक्स्ट ईयर में का है लेकिन अभी हम लोग ने पे कर दिया है, तो हमारे लिए क्या होगा, एसेट होगा, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर एडवांस जनरल एक्सपेंस लिख देंगे यहाँ पे, इसका जो इफेक्ट हो जाएगा ठीक है। ये हिडन एडजस्टमेंट बोल सकते हैं, ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट जैसा है जैसा हम लोग ने फाइनल अकाउंट में किया था। तो उसके बाद बाय स्पोर्ट मटेरियल परचेज, ये एक्सपेंस है 40,000 का, और इसके अंदर दो एडजस्टमेंट है, तो इसके अंदर दो टिक होना चाहिए, जो हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था तो उसमें टिक नहीं लगाया था, तो हम यहाँ पे दो टिक लगा देते हैं। तो ये 40,000 रुपीज़ स्पोर्ट मटेरियल हमारा एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। अब इसके अंदर दो एडजस्टमेंट है, एक और दो, इसके लिए हम लोग ने तीन जगह छोड़ा है, एक दो तीन, एक ओपनिंग एडजस्टमेंट, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का ठीक है। इसके बाद है हमारा बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड 8,900 और कैश एट बैंक 25,000 रुपीज़, ये हमारा करंट ईयर का एसेट साइड में आ जाएगा, तो ये करंट ईयर का एसेट साइड में लिख देंगे। अब ये हो गया हमारा, इसके आगे आते हैं, इसके आगे हमारा एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। तो हमारा एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 4,500, तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में ऐड हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन में इनकम साइड, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। तो हम सब्सक्रिप्शन में आ जाते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 49,000 हो गया। इसका दूसरा इफेक्ट हमारा एसेट साइड में चला जाएगा। इसके
उसके बाद हमारा दूसरा एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर 1000, ये 1000 रुपीज़ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट पे, तो उसका जो इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड एड टू रेंट, दूसरा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, तो 1000 रुपीज़ रेंट में ऐड कर देंगे, टोटल हमारा आ जाएगा 4000 रुपीज़। और इसका सेकेंड इफेक्ट हमारा लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा, थर्ड एडजस्टमेंट जैसे कि हम लोग ने देखा था ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये हम लोग ने ऑलरेडी इसका ट्रीटमेंट कर दिया है। और फोर्थ एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल 2018 6000 एंड ऑन 31 मार्च 2019 14000, तो ये हमारा 6000 रुपीज़ जो है ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन क्या है, ये एडजस्टमेंट हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू स्पोर्ट मटेरियल, स्पोर्ट मटेरियल में ऐड कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं स्पोर्ट मटेरियल के पास, ये ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 46000, इसका एक इफेक्ट हो गया। उसका दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल का इफेक्ट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड लेस फ्रॉम स्पोर्ट मटेरियल, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। तो स्पोर्ट मटेरियल में उसको लेस कर देंगे, 0000 0000 ऐड किया, 0 गया, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 32000। और उसका सेकेंड इफेक्ट हमारा एसेट साइड में आ जाएगा। एक लास्ट चीज बताना चाहूँगा, यहाँ पे मेरा हमारा जो हमने सेल ऑफ फर्नीचर किया था जिसका बुक वैल्यू 8000 है और वो सेल हुआ 4500 में, तो अभी इस साल हमारा बैलेंस शीट में कोई भी फर्नीचर नहीं दिया है और पेमेंट साइड में भी कोई फर्नीचर नहीं दिया, तो इसका मतलब ये पिछले साल का फर्नीचर है 8000 रुपीज़, वो हमें क्या करना है लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में डालना पड़ेगा। तो ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट का एसेट साइड है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये लास्ट ईयर का फर्नीचर जो है अब वो ये फिक्स एसेट है, इसके लिए करंट ईयर के बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। 8000 रुपीज़ का जो फर्नीचर है सेल हो गया, यहाँ पे हम लोग ने देखा कि 8000 का फर्नीचर क्या हो गया है, सेल हो गया है, तो जब ये सेल हो गया है तो इसको लेस और यहाँ पे क्या हो जाएगा डैश हो गया, ये हमारा पूरा पोस्टिंग हो चुका है। यहाँ पे मैंने सारी पोस्टिंग्स कर दी है, अभी हम इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसका टैली करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और आपको ये अगर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।